बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा के अंतर्गत आने वाली सलीम कॉलोनी के रहवासी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर मंगलवार को कॉलोनी के रहवासियों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। सभी रहवासियों का कहना है कि हम लोग यहां करीब 25 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें स्थायी बिजली नहीं मिली है। हमें अस्थायी बिजली से काम चलाना पड़ रहा है, जिसका मासिक बिल अधिक मात्रा में आने से हम बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं, जिस कारण हमारा बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। हम सभी कॉलोनी वासी अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने गुहार लगाई कि हम सभी कॉलोनी के रहवासी जिला कलेक्टर से मांग करते हैं कि हमें स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाए। अधिकारी तो मना कर रहे हैं कि बोले कि अभी खंबे आए हैं तो हमको तो लाइन होना ही ना, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको लाइन की तो बहुत जरूरत है। तो मेरे घर का तो मीटर ही लेके गए हैं, महंगाई का मीटर लगा दिया था। तो हम सलीम कॉलोनी नया मोहम्मदपुरा के निवासी हैं। ये जितने आवेदन कर रहे हैं, इनकी बिजली की समस्या पिछले 20-25 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के इनको वहाँ पर मीटर नहीं मिला है, बिजली मीटर। तो इनकी मांग है कि जो आंगनवाड़ी क्रमांक 3 है नए मोहम्मदपुरा में, वहाँ पर बिजली के पोल लगे हुए हैं, वहीं पर इनका निवास है। उस पोल पर से अगर इनको बिजली मिलती है तो इनके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। ये जो दुर्घटना होने वाली है उससे बच पाएंगे, क्योंकि इनकी जो बिजली है वो दूर से लिए हुए और तार लटकते रहते हैं इनके, तो इससे दुर्घटना होने की भी संभावना है। तो हम अभियंता जी से भी हमने निवेदन किया है कि इस पोल पे से इनको बिजली दी जाए। अधिकारी जी का कहना है कि आप केवल आंगनवाड़ी के लिए खंभे लगे, इस पे से बिजली नहीं दी जाएंगी, लेकिन चूंकि ये दायरे में आते हैं, वहाँ पर 100 फीट के दायरे में खंभे लगे हुए हैं, तो ये इनको मिलना चाहिए वहाँ से बिजली। तो परिवार है ये, कम से कम 15 परिवार है। बुरहानपुर से नौशाद नूर की रिपोर्ट।